My name is Osama Manzar. I am the founder and director of Digital Empowerment Foundation. This is the fourth year that we are meeting together on the platform of ENGO Challenge. ENGO Challenge has been institutionalized about 4 years back to bring all the NGOs together who wants to use digital media, digital technology, digital tools, and who have been using it excellently, whom we award every year in the evening. तो आज जो है हम उन लोगों से मिलेंगे जिन लोगों ने डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, टूल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और उन लोगों से भी मिलेंगे जो एस्पायर करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन होना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे जाना चाहते हैं, फंड रेजिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी हम मिलेंगे. और तकरीबन 700 एनजीओज से का इनविटेशन है और उन्होंने कंफर्म किया है यहाँ पर आने का. देर आर अबाउट 700 एनजीओज फ्रॉम ऑल ओवर साउथ एशिया इंक्लूडिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान दैट वी हैव ऑल गॉट टुगेदर. तो बहुत मज़ा आने वाला है आज. तो एक तो ग्रास रूट्स एनजीओज और उस पर से डिजिटल टूल्स की बातें. तो उम्मीद है कि दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. टू स्टार्ट विथ आई वुड रिक्वेस्ट टू शो यू अ स्मॉल वीडियो बिफोर आई कॉल माई इनॉग्रल पैनल ऑन द डायस. रोहित, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? लाइट लाइट हाथ दे तो साथ दे नजर जहां की आज है करा चले बढ़ा चले शहर तेरा डगर तेरी मगर नजर किधर तेरी करा चले बढ़ा चले विकास की लगाम ले तो मुट्ठी में जहान ले करा चले बढ़ा चले ले तू जांच ले गली गली तू बांट ले करे यही डरे नहीं बढ़े चले रुके नहीं करा चले बढ़ा चले निखार दे सवार दे शहर तेरा सिंगार दे शिकस्त नहीं परास्त कर बुरी नजर समाप्त कर करा चले बढ़ा चले तू जान ले तू मान ले इस हाथ को तू थाम ले यही नगर वही डगर बिना किसी अगर मगर करत चले बढ़त चले करत चले बढ़त चले करत चले बढ़त चले बखत यही तू लाज रख सही दिशा चुने चलत भाग ले बढ़त पढ़त हमारे संग चलत चलत करत चले बढ़त चले For the last 13 years, we are trying to karat chale, badhat chale with Digital Empowerment Foundation. और आप सब लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि हम लोग तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट में 160 जगहों पे और 24 प्रदेशों में we are working with digital tools at a very grassroots level, at a village level. That is what we enjoy, and I must tell all of you that we get more and more energy the more deeper we get into the villages. Not less energy, but more and energy. So with that note, I would like to invite my special guests of the morning. May I request Mr. Amarjeet Sinha, IS officer and additional secretary of Ministry of Rural Development, to please come on the dais.
मे आई ऑल्सो रिक्वेस्ट अंशु गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ गूंज, जिनको अभी अभी मैग्सेसे अवार्ड मिला है, शायद आप लोग सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन अभी भी इन्होंने जीन्स पहनना बंद नहीं किया. एंड मे आई रिक्वेस्ट अमिताभ सिंघल, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं डॉट एनजीओ के, पीआईआर के, पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री, जिन्होंने पिछले 5 साल से हमको हेल्प करते आ रहे हैं कि हाउ वी कैन हेल्प एनजीओज टू बिकम डिजिटल. सो अमिताभ इज़ हियर. एंड मे आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कुमार अनुराग प्रताप, हु इज़ द सीएसआर लीडर ऑफ कैप जेमिनी. इनसे हम अभी बात कर रहे थे, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 190,000 लोग काम करते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं इनको एक पूरा शहर ही दे दिया जाए लोगों को बसाने के लिए, जिस यू नो विच इज़ सराउंडेड बाई एन जी ओज एंड बीच में इन लोगों के एम्प्लॉयज़. सो वी आर गोइंग टू हैव अ 1 आवर सेशन. वी वुड लाइक टू हियर अबाउट 5 to 7 minutes फ्रॉम ईच वन ऑफ द इनॉग्रल लीड्स, एंड देन फॉलोड बाई आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करना चाहेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे, आप लोगों के सवालों को सुनना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हम चाय पे जाएंगे. एक और छोटी सी फिल्म है विच इज़ गोइंग टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट ईएनजीओ प्रोग्राम इज एंड व्हाट ईएनजीओ चैलेंज इज. एंड आई एम श्योर यू नो दैट ईएनजीओ चैलेंज विच इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर द एनजीओज हु आर यूजिंग डिजिटल टूल्स, तो वो अवार्ड का थोड़ा सा बैकग्राउंड है. सो मे आई रिक्वेस्ट रोहित टू शो अस अनदर ब्लॉकबस्टर. तकनीक के युग में जी रहे हैं, तकनीक विकास है, तकनीक विकास और ज्ञान के प्रचार प्रसार का एक माध्यम भी है. ईएनजीओ चैलेंज साउथ एशिया, पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री तथा डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक संयुक्त प्रयास है, जो एनजीओ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो कि सूचना संचार तकनीक आईसीटी तथा डिजिटल मीडिया का नए ढंग से उपयोग कर हाशिए पर रह रहे समुदायों के सशक्तिकरण तथा विकास के लिए अपने दूरगामी लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है. Getting an accreditation to the NGO. कि ये ईएनजीओ चैलेंज आगे चल करके एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फोरम का रूप जो है मिलेगा, जिसमें कि हजारों आर्टिजन से लेके व्यूअर से लेके उसमें काम करने वाली संस्थाएं लेकर के महिलाओं के संगठन ये सारी से जुड़ेगा. पिछले 4 सालों में हमें लगभग 1500 नॉमिनेशंस मिले, जिसमें से करीब 200 फाइनलिस्ट बने, जिन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मान्यता और सम्मान मिला. ईएनजीओ चैलेंज 2015 में भारत सहित 8 दक्षिण एशियाई देशों से 225 नॉमिनेशंस इन 6 निम्नलिखित श्रेणियों में आए हैं: बेस्ट यूज ऑफ वेबसाइट एंड इंटरनेट टूल्स, बेस्ट यूज ऑफ मोबाइल कंटेंट एंड एप्स, बेस्ट यूज ऑफ ई कॉमर्स, best use of software automation and networking, best use of social media, best use of e-content. प्रत्येक nomination दिए गए मापदंडों के अनुसार एक कड़ी और विस्तृत प्रक्रिया से गुजरता है, ताकि सबसे योग्य finalist व विजेताओं का चुनाव किया जा सके. It was interesting to go through all these very interesting cases, and I believe like wherever we had doubt, we again looked back and discussed, and jury again agreed, disagreed, and now I believe that we selected the best one. I'm sure the NGOs which we have selected and the NGOs which are specially mentioned by us are doing great work.
it will in fact set a benchmark for the others to follow. ENGO चैलेंज एनजीओ के द्वारा सामुदायिक विकास के लिए बेहतर तकनीक के उपयोग का एक पर्याय बन चुका है। I must tell you that 2 days back I saw this video and it was in English. So I requested कि उसको हिंदी में किया जाए, but I also requested there should be English subtitles. But वो लगता है देर हो गई. So उसके लिए माफ़ी कि English subtitle नहीं रहा, but I think Hindi is also important considering that grassroots NGOs if you are talking about. I'm going to start the inaugural session by inviting Amitabh Singhal on the dais, and the reason I am inviting him before anybody else is because PIR, which is called Public Interest Registry, who has just released .ngo domain. Now anybody can have xxy.ngo, is now possible because PIR has been working with us for the last 5 years. PIR वो ऑर्गेनाइजेशन है जो .org डोमेन को ओन करती है. आप लोग जानते होंगे .org ज़्यादातर लोग बुक करते आए हैं, उसको ओन करती है. सो दे हैव बीन सपोर्टिंग दिस प्लेटफॉर्म आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. दे आर बेस्ड इन वॉशिंगटन. उनके CEO जो है वो आने वाले थे लेकिन नहीं आ सके. सो दे हैव रिक्वेस्टेड अमिताभ सिंघल, हु इज़ ऑन देयर बोर्ड, टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेस द ओकेजन. सो मे आई रिक्वेस्ट अमिताभ टू प्लीज़ कम ऑन द डायस्पोरा.